उन्होंने बोला कि उसी जगह छोड़ी, बस आप दुआ करें कि मेरा बेटा जहाँ भी हो कुछ है, 18 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, उसे 5 साल का है, और हमेशा का जो भी वो मतलब बच्चा चल रहा था वो अपने पास करके लोगों के घर में चला रहे थे, और उन्होंने बोला जा रहा हूँ परिवार से मिलने के लिए। मेरा यही है कि जो भी आप कर सकते हैं करके घूम करके मोटिवेट करें, अपने माता पिता को जाकर आपकी जुड़ा के बोलिए कि हमें कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उस वजह से ये जुड़े हमारी लोग की जानते हैं। तो अगर अगर आप कोई कमेंट कर रहा है तो आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो सफल रहेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज़ हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई, जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि यू नो ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएँ होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। सो ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए हम उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे हमारी परिवार के लिए आज यू नो इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आर ड्यूटी टू डू आर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुंच पाऊं, लेकिन मेरे मोगा जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूं। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहां पे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के यू नो एजुकेशन की बात हो या जो भी मैं कर सकूं, ताकि ताज़ ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहां तक उनकी रीच है, जहां तक उनकी पहुंच है उन परिवारों तक पहुंचने की, हमें पहुंचने हैं और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों ने, बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके वो स्कूल के डेज वापस आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी, शेयर समथिंग। मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर एक मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं,
लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए यू नो जान देने के लिए खड़ा हुआ है, तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। आपसे भी एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे सिटी सर भी प्रेजेंट है, जानना चाहेंगे कि इस समय सारा देश जो है गुस्से में है और हर कोई ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बदला लिया जाना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए सिद्धू साहब, वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में और ऐसा लग रहा है कि यू नो हम लोग बार बार अपने यू नो शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिजी हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफरत की लड़ाई है, खत्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। सवाल कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज का कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का, इसके ऊपर आपका क्या? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के, बट आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस। सर आपसे हाँ, हम ये जो आपने सवाल बताया, बदला लेने वाली बात जो है, जो फोर्सेज हैं जैसे सोनू जी ने बताया है, वो डिसिप्लिन में काम करती हैं, वो हुक्म की तामील करती हैं, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा उनको हुक्म दिया जाता है, इसी ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, अब आगे अब जैसे हम जन आक्रोश देख रहे हैं उससे ये लगता है कि क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी जनता ही बनाती है, हम लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, हम वोट देते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं हम, तो जो जनता है, जो देश के लोग हैं, वो ऐसे नुमाइंदे चुनेंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे, तो वो ज़रूर सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी जिससे कि इन समस्याओं का अंत होगा, आतंकवाद का अंत होगा। थोड़ा सा गवा के हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो हो रहा है, ये चीज़ें कई सालों से चली आ रही थी, कई सालों से हमारे फौजी सेक्रीफाइस हो रहे थे लेकिन जंग में नहीं हो रहे थे, कोई सो रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, ये जो बातें थी ये अभी मुझे लगता है कि आम जनता तक पहुंच गई हैं और उनके दिल तक पहुंच गई हैं, उन्हें इस बात का गुस्सा है, आक्रोश यही है कि ये जंग नहीं है, इसे जंग नहीं कहा जाता, हम लोग अपने लोगों को इस तरह इस काम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवर द जितने सालों से चल रहा था वो आते आते आम जनता तक ये बात पहुंच गई है कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत बात है। तो जनता का जो जुड़ना जो है हमारी फोर्स के साथ, मैं इसे बहुत ही वेलकम चेंज कहूँगा और मुझे बेहद खुशी है कि हम सब के दिलों में इमीडिएटली जब भी कोई बात ऐसी होती है, हम मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ फोर्स के लिए, या फोर्स मुझसे कुछ कहती है तो मैं उनका पैगाम कहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ, ये भी मेरी ड्यूटी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा समाज जो जुड़ा है इन हरकतों के बाद जो फौजियों के साथ में, मुझे उसकी बेहद बेहद खुशी है और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि और यूनाइट होंगे हम लोग, सिविलियन हैं हम लोग इस बात के लिए यूनाइट होंगे कि हमें अपनी फौज का साथ देना है, अगर वो हमें कोई हुक्म देते हैं, हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं, तो हमें भी उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। तो जितने भी हमारे सोल्जर्स की फैमिली सेक्रीफाइस जो हुए हैं, मेरी विशेष उनकी फैमिली के साथ में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग, इनको आगे भी आना चाहिए और उन फैमिलीज़ के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए इस वक्त जब घर का आदमी कोई लूज़ होता है तो एक कमज़ोरी पैदा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की एक फ़र्ज़ बन जाता है कि उस फैमिली को इतनी ताकत दें। कमाल के लोग हैं, आप देखते हैं कि कहने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम लोग कसम खाते हैं कि हम आज के बाद हमारा बच्चा फौज में नहीं जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, छोटी बच्चियों ने कहा कि मैं फौज में जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो बात है, ये जो डिसिप्लिन है, ये वहीं रह के सीखा जा सकता है, तो ये कमाल का डिसिप्लिन है, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आम आदमी से कहूँगा कि जुड़िए इन चीज़ों के साथ में, जुड़िए और हम फौज के साथ में हैं, जैसे हमें हुक्म होगा हम बराबर बजा लाएंगे। सर ऑपरेशन कराओके हुआ था बॉलीवुड का, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के देखिए ये चीज़ें बहुत सालों से होती चली जा रही हैं, मैं भी बहुत से लोगों के लिए करता हूँ लेकिन दोस्तों के लिए करता हूँ, कोई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो मैं तो उससे बिल्कुल कहूँगा ये गलत बात है।
आप पीछे मैं आगे खाली।